छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की ओर से पीएम मोदी की तारीफ को लेकर हुए विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को एक बार फिर सफाई देनी पड़ी है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि दो अलग अलग मंच है जिसमें हम अलग अलग तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम का मंच होता है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग शिष्टाचार का पालन करते हैं, फिर एक मंच होता है जिस राजनीतिक मंच पर तीर छोड़े जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साझा मंच की एक अलग गरिमा होती है। राजनीतिक मंच पर हम भी खूब बातें करते हैं लेकिन वह बात सामने नहीं आ पाती। दरअसल शनिवार को बिलासपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीयत और नीति पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए मिला है। यहाँ सड़क, रेल, बिजली सहित अनेक विकास कार्य के लिए हमने छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। यह बात मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सभा में कही थी। उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक तूफान खड़ा हो गया, उन्हें फांसी पर लटकाने का खेल खेला जाने लगा। दो अलग मंच होते हैं जिसमें हम लोग भी अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। एक शासकीय कार्यक्रमों का मंच होता है, उसमें एक अलग शिष्टाचार सभी जनप्रतिनिधि निभाते हैं, और एक राजनीतिक मंच होता है जिसमें फिर चलते हैं तीर। तो राजनीतिक मंच अलग होता है, शासकीय कार्यक्रमों का मंच अलग होता है, केंद्र और राज्य सरकार के साझा कार्यक्रम का जो मंच होता है उसकी अलग एक गरिमा और अलग स्थिति रहती है। तो राजनीतिक मंच में हम लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो बात सामने नहीं आ रही है। अभी कल ही परसों मेरे ख्याल से एक कार्यक्रम हुआ था खड़गे जी की उपस्थिति में, उसमें मैंने क्या बोला वो मीडिया में नहीं आया, या उसको मोदी जी तक नहीं पहुंचाया गया, या मोदी जी ने उस पर कमेंट नहीं किया। धान खरीदी के संदर्भ में मैंने कुछ बातें कही थी जो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी, और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया।